4, Monday to Friday, 9 p.m. भक्ति भरे भजन से कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है वंशनंदनम सुशोभिभालचंदनम नमामि राममीश्वरोपिता दशाश्य वंश संक्षितम नमामि राममीश्वर विदीन देव हर्षणम कपित सिद्धार्थ वर्षण स्वबंधु शोक Yeah.
भारतीय संस्कृति और इतिहास की जड़ों में गहराई से उतरकर स्वास्तिक प्रोडक्शंस ने इंडियन ऑडियंसेस के लिए कटिंग एज सिनेमैटिक कंटेंट प्रस्तुत किया है और अब इस मेगा शो का निर्माण किया है. दिस इंक्लूड्स ऑल द फैसेट्स दैट गो इनटू मेकिंग द शो, बी इट द एंटायर प्रोडक्शन साइकिल, वीएफएक्स और जस्ट इवन सिंडिकेशन. अ लीडर इन द इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आई वुड लाइक टू वेलकम सिद्धार्थ कुमार तिवारी, founder of Swastik Productions and the creator of Shrimad Ramayan. I would also like to invite on stage the award-winning Bollywood director and the production designer of Shrimad Ramayan, Umang Kumar. It's his extensive research and creative genius in creating these larger-than-life sets that will transport you to Ayodhya और लंका. और मैं श्रीमद रामायण के डायलॉग राइटर एंड लिरिसिस्ट विनोद शर्मा जी का भी स्वागत करना चाहूंगा, जिन्होंने सूर्य पुत्र कर्ण, राधे कृष्ण, पोरस, जोधा अकबर जैसे पौराणिक शोज पर काम किया है. कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन ऑन स्टेज. नीरज जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा. वी ग्रोन अप हियरिंग एंड सीइंग डिफरेंट रेंडिशंस ऑफ रामायण. How will Sony Entertainment Television's Shrimad Ramayan resonate with viewers, especially the new generation, on a personal and emotional level? First and foremost, thank you everybody for making the long trip from Mumbai to Umargaon. Thank you so much. Tahe dil se shukriya aap sabka aap aaye yahan pe. I hope this was worth your while. The show is still on. But to answer your question, I think... मुझे और हमें वी एट सोनी हमें बड़े वक्त से लग रहा था और मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह का कंटेंट टेलीविज़न पे बन रहा है वो सीमित है. एंड आई एम वेरी यू नो वोकल अबाउट इट. आई थिंक टेलीविज़न को अगर सर्वाइव करना है इन दिस कंटेंट रेस, तो टेलीविज़न को भी आगे निकल के बहुत कुछ ऐसे जॉनर्स में कंटेंट बनाना होगा जो यू नो मेक टेलीविज़न एबल टू कम्पीट एक्सटेंसिवली विद सो मच कॉम्पिटिशन आउट देयर. हैविंग सेड दैट, आई थिंक एक जी चैनल का काम है, एक जनरल एंटरटेनमेंट का काम है कि वो मल्टीपल एक्सप्रेशन का कंटेंट बनाए. अगर आप देखें ज़्यादातर कंटेंट जो बन रहा है जी स्पेस में वो सोप्स बन रहे हैं. शाम को 6:30 बजे से 11 बजे तक मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑन ऑफर इज बेसिकली सोप्स. मुझे लगता है कि अगर और वो सोप्स का जो कंटेंट बना है वो एक सीमित टारगेट ऑडियंस के लिए है विच इज़ लार्जली विमेन बिटवीन 22 to 40 kind of a segment. अब चूंकि इंडिया इज अ वन टी वी हाउस होल्ड रियालिटी, ऑलमोस्ट 95% ऑफ टी वी होम्स इन इंडिया वन टी वी हाउस होल्ड्स, जहाँ पे एक लोग साथ में बैठ करके टी वी देखते हैं, तो लोग देख लेते हैं उस कॉन्टेंट को. पर मुझे लगता नहीं है कि वो उनका उनकी चॉइस का कॉन्टेंट है. सेकेंडली, डिजिटल ने बहुत सारा कॉन्टेंट ऐसा बनाया है जो लोग अब अपने अपने डिवाइसिस पे देख रहे हैं. Basically, the point I'm trying to make is that एक unifier content की जगह हमेशा रही है. TV is a device जो सारी family बैठ के देखे. मुझे नहीं लगता कि रामायण से better इस तरह का कोई content television के लिए हो सकता है, या मैं तो कहूँगा actually पूरे के पूरे entertainment zone में उस तरह का unifying content नहीं है. Content जो आपको सीख दे, कंटेंट जो आपको एंटरटेन करे, कंटेंट जो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ और इथॉस में सीप्ड इन है, उस तरह का कंटेंट मुझे लगता है रामायण है. और रामायण इज़ अ कंटेंट दैट अकॉर्डिंग टू मी यू नो प्रोबेबली इज़ मेंट फॉर एवरीबॉडी फ्रॉम द एज ऑफ यू नो 4 to 94. इट्स अ कंटेंट दैट द होल फैमिली कैन सिट टुगेदर एंड वॉच. और अगर इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है तो वो आज है मुझे लगता है. एंड आई थिंक
we have just followed our heart and you know, both Siddharth and me have been wanting to do this for a very, very long time. और हम ये बहुत छोटे समय में कर पाए, तो you know, thank you so much to Swastik for keeping the faith and you know, wanting to do this with equal enthusiasm and everybody involved. You know, ये show हम बहुत श्रद्धा से बना रहे हैं, बहुत devotion से बना रहे हैं. So you know, watch it and tell us what you think about it. Thank you very much. Siddharth ji, the next question I would like to ask you is, जब ये शो के लिए आपका विजन क्या था, जब आप मुख्य किरदारों को कास्ट कर रहे थे, व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड? कैन यू प्लीज वॉक अस थ्रू द प्रोसेस? सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, सब लोग यहाँ पर आए, मोर इम्पोर्टेंटली स्वास्तिक भूमि पे आए, तो एक स्पेशल थैंक यू टू एवरीबॉडी. आई होप हम सब आपका ख्याल रखें. इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो, जब हमारे घर कोई आता है तो बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ आए. देखिए, रामायण की कहानी ऐसी नहीं है कि कोई भी इंसान कल सुबह उठ के सोच सकता है कि आओ चलो हम रामायण कहते हैं. यू नो, रामायण की कहानी ऐसी है कि जब आपको कहने का मौका मिलेगा तभी आप कह पाएंगे. तो ये मौका मैं कम से कम 7-8 सालों से, महाभारत के बाद मेरे दिमाग में था कि महाभारत की कहानी मैंने अपने सोच समझ कर जिस तरह से कह पाया वो कही, और मेरे दिमाग में था कि ये रामायण की कहानी कभी कहने का मौका मिलेगा, तो मैं कहीं ना कहीं उस पर बैक पे पढ़ रहा था, चीज़ें सोच रहा था, और फाइनली ये मौका फिर से मिला है मुझे. एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू थैंक नीरज फॉर इट, बिकॉज मैंने जब इनको बोला कि हम लोग एक रामायण की कहानी कहते हैं, सो इट्स एक आज के टाइम पे, आज के दौर पे, आज की जनरेशन के लिए, यू नो, कि हम भक्ति और जो कोर हमारा मैसेज है रामायण का, हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, हमारे जनरेशन जो आज बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे भी जो बढ़ रहे हैं, यू नो, कहीं ना कहीं एक ज़रूरत लगती है कि रामायण जैसी कहानी हमेशा इस देश में सुनानी चाहिए, बिकॉज उससे हमें मालूम पड़ता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारी फैमिली की रिलेशनशिप्स क्या हैं, किस तरह के सोसाइटी में हमको जीना चाहिए. रामायण की कहानी में इतने सारे सीखे हैं जो मुझे लगता है आज की जनरेशन में हम अपने दौर से, अपने तरीके से, नए तकनीक के साथ में वो ग्लोरियस भारत दिखाते हुए हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. होपिंग दैट यू आर लाइक इट. एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच. उमंग जी, आई वुड हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन. द सेट्स लुक एब्सोल्युटली वंडरफुल. Thank you. They look larger than life. What was your preparation like? What was the narrative that was running in your head while you were designing something on this massive scale? ये मेरे को मौका इन्होंने दिया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं, अगर आप बोल रहे हैं तैयारी, तो मैं लास्ट 25 साल से तैयारी करते आया हूँ. ये मेरा 6वां या 7वां रामायण है, और हमेशा जब मैं करता हूँ तो एक नए रूप से देखता हूँ उसे. सीख पहले की है, लेकिन नया सोच आ जाता है. यू नो, जैसे बोल रहे हैं जनरेशन चेंज होता है तो हमारी थिंकिंग भी चेंज होती है. मे बी उतने प्रिपरेशंस के बाद, यू नो, आप अपने आप को तराशते हो कि और क्या निकलेगा. तो लकीली हिज विजन इज सच एंड हिज सोनी टीवी विजन इज सच दैट एवरीथिंग वी हैव सीन, हमको सबको पता है, लेकिन एक नए तरह से आप कैसे दिखाओगे, तो चैलेंज रहता है. एंड यस, इस टाइम हमने, यू नो, ऐसा किया है कि लार्जर देन लाइफ तो करते ही हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी ले आते हैं. यू नो, हम एक एक डिटेलिंग में गए हैं कि हम लिबर्टी नहीं लेंगे. कैसे था उस टाइम का, यू नो, दौर, कैसे रहते थे, कैसी लाइटिंग होती थी, कौन से पत्थर से तोड़ के बनाते थे, लंका होगा तो कैसे होगा, मिथिला होगा तो कैसे होगा, अयोध्या होगा तो कैसे होगा. तो जितनी हमको हिस्ट्री मिलती है हम पढ़ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर अगर मैं उस टाइम पर पैदा होता तो मैं कैसे बनाता. तो हमने वो कोशिश की है कि इस दौर पर मैं ऐसा एक स्कल्पचर हूँ जो तब पैदा हुआ था, अब चलो बनाते हैं. यू नो, राजा ने मुझे दिया है आदेश कि मेरे लिए एक महल बनाओ, तो वो महल कैसे लगेगा, ऑब्वियसली उस टाइम की कारीगरी करके. तो उस तरह का डिटेलिंग किया है हमने. एंड यस, मॉडर्न करते हैं, हमें जो दिखता है वो हमको समझ आता है. जैसे कि हम क्यों इतना, ये मैंने पहले नहीं किया था, थ्रोन ही होता है हमारा पैलेस, यही होता है. बाहर की मंदिरों की जो डोम्स है वो अंदर क्यों लाएंगे, वो एक नया दौर है, अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है. और एक ये हमारी तरफ से कोशिश है कि हमेशा एक नयापन लाएं. एंड दैट्स व्हाई दिस सेट्स लुक्स ह्यूमंगस एंड मैग्नम ओपस, बिकॉज ऑफ देयर थॉट. एंड हमने थोड़ा कोशिश किया है, यू नो, ट्राई टू फिट इन, बड़ा लगेगा तो अच्छा है. ऑब्वियसली वी एफ एक्स मेक्स इट लार्जर देन लाइफ, बट वी हैव ऑल्सो पुट इन एज मच डिटेल, बिकॉज यू नो
वी कीप ऑन रिवाइंड सीइंग इट अगेन एंड अगेन मिलता है हमें देखने लिए तो उतना डिटेल हमने डाला हुआ है इस सेट्स में थैंक यू सो मच सर इफ यू लाइक द सेट यू नो व्हाट टू डू आउटस्टैंडिंग विनोद जी आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा जब आप डायलॉग्स लिखते नहीं क्राफ्ट करते हैं सो आपकी इंस्पिरेशन या आपकी भावना what goes through your mind when you are writing dialogues or researching for such a massive epic thing like Ramayana pehli baat to main bar bar kehta hu ki main likh raha hu ram likhwa rahe hain to please iska credit main nahi le sakta secondly kya hai ki aapne jo pucha to ram ki ek kahani hai shayad hum sab ne suni hogi bachpan mein jab galeri aati thi to hum kehte the iske upar ye teen ungliyan kyun hain तो माँ ने कहा टीचर ने बताया कि जब ये वहाँ पे सागर मंथन सागर सेतु बन रहा था तब इसके ऊपर राम ने हाथ फेरा था तो क्या था कि वहाँ पे हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ तोड़ के ला रहे हैं अंगद घूंसे से मार के चट्टान तोड़ के डाल रहा है सब लोग लगे हुए थे तो एक गिलहरी थी उसको देख नज़र गई किसी की वो दूर जाती अपने मुँह में जितनी सी रेत आती वो ले कर आती वहाँ डालती तो बंदर उस पर हंसने लगे सारे वानर कि क्या कर रही है वो बेचारी रुवासी हो गई तो राम ने उन्हें अपने हाथ में लिया और बोले कि जितना इसमें सामर्थ्य है उतना कर रही है और इसीलिए अपनी उंगलियों के निशान उस पर छोड़े तो बेसिकली हम ना तो नल और नील की तरह बहुत बड़े ज्ञाता हैं इतने विद्वान हैं नहीं ना संभव है ना हनुमान की तरह शक्तिशाली हैं हम बस एक गिलहरी की तरह जितना संभव हो सक रहा है श्रद्धा समर्पण और मेहनत से तो डालने की कोशिश कर रहे हैं बस यही है ये राम कोई शो हो ही नहीं सकता ये हमेशा एक यज्ञ होता है एक हवन होता है जिसमें श्रद्धा समर्पण और मेहनत की आहुति लगती है हम दे रहे हैं कौन कितना जानता है लड़ाई इसके नहीं है हम जितना जानते हैं पूरी श्रद्धा से हम रख रहे हैं इसके आगे कुछ कह ही नहीं सकते सब वो लिखवा रहे थैंक यू सर आप चारों से एक छोटा सा निवेदन है अगर आप जो हमारे मेंबर्स ऑफ द प्रेस हैं अगर उनको और एक कुछ संदेश देना चाहते हैं यू कैन डू दैट और एल्स देन वी कैन प्रोसीड या ठीक है तो धन्यवाद आप सभी के वक्त के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन नाउ वी आर रेडी टू इंट्रोड्यूस यू टू अनदर पिविटल एंड अ ह्यूज मोमेंट बट दिस इज नॉट गोना हैपन इन दिस सेट
राम का नाम ही इतना बड़ा है तो जर्नी छोटी हो नहीं सकती और आसान नहीं हो सकती। हम श्री राम की यात्रा का मार्ग देखें तो कहाँ से 14 वर्ष तक क्या क्या सहा, क्या 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 नहीं कहा, तो उनको लिखने की जर्नी भी आसान तो नहीं है। पर अनुभव हो रहा है कि जो कुछ उन्होंने सीखा, भोगा, पाया, दुनिया को सिखाया, उसका कुछ उनको मिल रहा है। तो वाकई में कमाल कर रहा। और यूथ के लिए हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो सीखनी है, राम और रावण दोनों की राशि एक है, दोनों बराबर बलि हैं, दोनों के साथ जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, पर डिपेंड है कि हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। जहाँ इंसान टूट जाता है वहाँ श्री राम ने जुड़ना सीखा, जोड़ना सीखा, तो अयोध्या त्याग के वनवासी होकर भी वो दुनिया के मन में समा गए और रावण दशलोक पाकर भी वापस से उसे वध सहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, बदनामी सहनी पड़ी। तो इंसान कुछ भी हो, इंसान पैदा होता है, अपनी भावनाओं का सुर साध ले तो वो देवता बन जाता है, श्रीराम बन जाता है। अपनी भावनाएं साध ना पाए, सुर ना साध पाए, तो रावण बन जाता है। कोई भी अगर ये चीज़ समझ सकता है और अपने अंदर छिपे, अपने अंदर रहे, राम को अगर वो निकाल पाते तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। नीरज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इतना ग्रैंड लॉन्च हुआ है शो का, तो क्या कुछ उम्मीद है ऑडियंस से? बिकॉज यू नो और भी कई सारे ऐसे शोज चल रहे हैं टेलीविजन पे जिससे आपका काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन हो सकता है। एक्सपेक्टेशन मेरे क्या है? एक्सपेक्टेशन सबसे यही है कि आके पहले वो सैम्पल करें, शो देखें हमारा, और देखते रहें। रोज़ मैं यही चाहूँगा।